पिंजौर कालका में प्रतिदिन बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए क्षेत्र में अस्थायी 30 बेड का कोविड सेंटर खोलने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता हर्ष कुमार ने बताया कि पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी के साथ मिलकर अस्थायी कोविड सेंटर के लिए 30 बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपी किट, बीपी अपरेटस, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर आदि जरूरत का सभी सामान इकट्ठा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जैसे ही प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा कालका के सरकारी कॉलेज में अस्थायी कोविड सेंटर को खोलने की अनुमति दे दी जाएगी तो बिना कोई देरी किए कालका गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से 30 बेड अस्थायी कोविड केंद्र खोल दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने जरूरत की सभी चीजें इकट्ठी कर ली हैं। इस संदर्भ में कालका अस्पताल के SMO रुपिंदर सैनी ने कहा कि उन्होंने अस्थायी कोविड सेंटर के लिए कालका सरकारी कॉलेज की उस साइट का निरीक्षण कर लिया है और इस जगह को 30 बेड के सेंटर के लिए सुटेबल भी पाया है। यहां पर सेंटर खोलने के लिए CMO को मेल भी कर दी गई है। इस मौके पर सोनू संधू, विक्की, रामपाल, राजिंदर, दविंदर, पिंका, सोनू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही कोरोना महामारी के बीच में लोगों को राहत देने के लिए कांग्रेस ने रायपुर रानी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी प्रदेशाध्यक्षा के निर्देशों पर ऑक्सीजन को लेकर अपने स्तर पर पहल करते हुए जरूरत वाले कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन के कुछ बड़े सिलेंडर और पोर्टेबल ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडरों की रायपुर रानी निरंकारी भवन के नजदीक में उपलब्धता करवाई है, जिसकी शुरुआत वीरवार को कालका विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी ने अपनी टीम के साथ की। इस मौके पर कांग्रेस नेत्री पवन कुमारी शर्मा भी उनके साथ मौजूद रही और पवन कुमारी शर्मा ने कहा कि आज कोरोना महामारी के बीच हर किसी को मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। यदि आप किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपना कुछ सहयोग करेंगे तो वह बहुत ही अच्छी बात होगी। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के नेता हर्ष कुमार, विजय मोहन वर्मा, कमालदीन, बलविंदर चौधरी, शरणजीत काका, अमर सिंह, पूर्व सरपंच जसमेर टाबर, विजेंद्र कामी, निखिल मंगला सहित स्थानीय नेता एवं पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अंदर 250 पंप है, और अगर 5 पंप लेने के बाद आदमी का 10% ऑक्सीजन बढ़ता है तो वो 2-3 घंटे के लिए कैजुअलिटी कभी नहीं हो सकती और सर्वाइवल हो जाएगा। मतलब लगभग एक पंप एक घंटे का मटीरियल है, ये 200 घंटे में चल सकता है, 150 से 200 घंटे। मेरी कोशिश है कि ये 250 पंप वाला है तो जल्दी मैं इसको 1000 पंप तक का बनवाने की कोशिश कर रहा है, 500 का या 1000 का, फिर वो एक उस तरह का काम हो जाएगा। और इसकी विशेष खासियत ये है कि इसको अगर 4 पेशेंट भी है ना, जितनी मर्जी मेरी सैनिटाइज करो या उबालो दूसरे को। ये हमारी यहाँ पे जो हमारे एरिया में कोरोना के पेशेंट बहुत आ रहे हैं और यहाँ पे कालका कॉलेज में हमारी मीटिंग हुई थी SMO कालका जी से, तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पे बहुत इमरजेंसी है कोविड सेंटर बनाने की, तो हमने कहा था कि कोविड सेंटर हम आपको देंगे बना के। तो उसके रिगार्डिंग हमने ये सारा सामान, लगभग 30 बेड का हमारे पास कंप्लीट सामान पड़ा है, फ्लो मीटर्स हैं, सिलेंडर्स हैं, बड़े सिलेंडर्स हैं, छोटे हैं, इवन देन एवरी BP ऑपरेटर्स मशीन है, शुगर की और भी सारा कुछ है, ECG मशीन भी है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी हैं और सारा सामान हम पूरी तरह से अब तैयार हैं। जैसे ही हमारे को प्रशासन कहेगा हम वहाँ पे सारा सामान भेज देंगे और सेटअप करा देंगे, ताकि किसी भी गरीब आदमी को या कोई भी हो, गरीब हो या अमीर हो, अमीर जो भी हो, इमरजेंसी में उसको यहाँ वहाँ पे निशुल्क सेवा मिल सके। और ये कालका गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा ये किया जाएगा और इसमें भाई प्रदीप चौधरी जी का, मैडम शैलजा जी का और कांग्रेस पार्टी का विशेष तौर पर सहयोग रहेगा और उन्हीं के सहयोग से ये सारा सामान हमने यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है।